क्या करने वाली हूँ ऑन द वीडियो, यू शुड ट्राई दिस हेयर कट, फनीस्ट हेयर स्टाइल ऑफ 2020 बाय धीरू मोंची. मतलब थंबनेल देख के मेरे को यू शुड ट्राई दिस हेयर स्टाइल ऐसा हो रहा है. बट बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एवरीवन, आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माई चैनल रखने वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स गो. परफेक्शन ये होता है भाई, असली परफेक्शन. साला इतनी सच्चाई और दिल की लगन के साथ काम करना चाहिए जितना इसने किया है. पूरा का पूरा प्ले बटन छाप दिया है बे. अभी ना तुम्हारे लिए वाला गाना बजना चाहिए यार, रुको मैं बताता हूँ. So, hey guys, it's me, Dhiru Monchik. And guys, आज हम बात करने वाले हैं हेयर स्टाइल्स के बारे में. भैया जब हम छोटे थे, हम मतलब मैं और तुम, तब भैया बच्चों के बाल या तो एक अंकल काटते थे या फिर एक अजीब से भैया होते थे जिनको बस एक ही तरीके के बाल काटने होते थे. कुछ भी कह दो, कैसे भी बता दो, बस एक तरीके, और वो था कटोरा कट. कटोरा कट या फिर वो एकदम छोटे छोटे से बाल, छोटे छोटे से, हाँ टकली दिख जाए ऐसे. या कई बार तो पैसे बचाने के लिए घर पे ही मेरे मम्मी पापा ने मेरे बालों के साथ खिलवाड़ किया है, कटोरा बन देते थे सर पर और वो कैंची घुमा देते थे. माफ कर सकते हैं ऐसा कभी. लेकिन आजकल के बच्चों के बाल, ओ भाई, आह, सबके सब हीरो बने घूम रहे हैं एक से एक तगड़े हेयर स्टाइल के साथ. आज हम कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब हेयर स्टाइल देखने वाले हैं. तो जो सबसे पहले हम वीडियो देखने वाले हैं वो है एक एटीट्यूड गर्ल की. तो आप अपनी सांसें और दिल थाम कर बैठ जाए, कहीं इस लड़की से तुम्हें प्यार ना हो जाए. वाह, तुम किसी को देखे बिना मरो ना मरो, लेकिन साला तुम्हें देख के जरूर कोई मर जाएगा. रुपए कौन से प्लेनेट से आए हो? अरे जितना इसने अपनी आंखों पे काजल लगा रखा ना, इतने में साला कोई शायर आके चार किताबें लिख के चला जाएगा. बाकी बालों की बात करें तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है ये एटीट्यूड गर्ल, क्योंकि ऐसे भाई सिर के ऊपर पहाड़ रख के घूमना आसान थोड़ी है. तुझको भूल जाऊं कैसे? जो भी बंदा इसको मिलता है ना सड़क पे, घर पे, कहीं भी, वो इससे यही पूछता है तुझको भूल जाऊं कैसे. देखा जाए तो गाइस क्या कहते हैं, कटोरा कट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया. तो अब ये 2020 का कटोरा कट है, कटोरा कट मैक्स प्रो. कौन सा जानवर है ये? अभी तुम इस पोकेमोन के ये बाल देख के हंस रहे होगे, लेकिन क्या तुम्हें इसके फायदे पता है? ये इन लोग का सीन बहुत सही होगा यार. जैसे हम तुमको जरूरत पड़ती है ना तकिए की सोने के लिए, इन्हें कोई जरूरत नहीं है भैया तकिए की, इनके सुनहरे बाल ही काफी है. ये ऐसे करके बिछा कर रख लेता है और सो जाता है उसी पे. वैसे अगर ये सही में पोकेमोन हुआ तो ये उस बॉल में से नहीं निकलता होगा, ये निकलता होगा ऐसी लुटिया में से. क्या तुम्हें भी वही आवाज आ रही है जो मुझे आ रही है? सुवरो, नाइस नाइस, एकदम झुंड बना के घूम रहे सारे के सारे. खैर रजनी दा ने एकदम सही कहा था, मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है.
पता नहीं साला इन्हें पुलिस रोकती होगी नहीं रोकती होगी, क्योंकि रोक के भी क्या करेगी, इनके बालों पे हेलमेट थोड़ी चढ़ने वाला है। अभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्यों खड़ा है सालो, मेले में आयो तुम, कुंभ के मेले में जो खो जाओगे सालो, तुम में से कोई नहीं खोने वाला कुंभ के मेले में, वहां जाके जहाँ आवाज लगती है ना मेले में खो बच्चों की, वहां जाके बस इतना बोलना है अगर कोई अजीब सा एलियन सा दिखे तो उसे यहाँ छोड़ के चले जाना, कोई छोड़ के चला जाएगा तुम्हें खंभे के पास। इनके घर वाले इनके पिछवाड़ों में डंडे डाल के ना गाड़ी की सीटें साफ कर देता लिए लगा रही है जाले हटाने के लगता हम महंगे। ऐसी ही हेयर कटिंग होती है जब तुम नाई की बजाय चप्पल सिलने वाले मोची से बाल कटवा के आओ तो। अब तुम ये नहीं पूछना तुझे कैसे पता। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए अभी मैं बता दूं कि मैंने नाई से ही कटवाए थे, इन बालों से मोची का कोई लेना देना नहीं। हवाबाजी चल रही है, तुमने तो पूरी की पूरी महफिल जमा रखी है। हाँ। बच्चों से लेके गली के नादान परिंदों तक सबने भीड़ जमा रखी है। मतलब बिजनेस का टैक्टिक है देखो। ये ऐसा तो एकदम फिट एंड फाइन है जी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों बनी है। चिलकुजे ने इस बार उनको पैसे नहीं दिए, या फिर ये कोई नया फैशन होगा जिससे हम अनजान हैं। लेकिन भैया आप इन आधे कटे हुए बालों के साथ लग रहे हैवान है, और ये जो उद्यमी बालक है ना ये बहुत शैतान है साला, इसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उस बेचारे के बालों पे। भाई इसने अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोक रखे हैं, अभी रो देगा या ऐसी हालत होगी इसकी। क्या इतना बुरा हूं मैं, बालों के साथ खेल नहीं बाबा। जादूगर है तू भैया, सोचो जब ये ऊपर जाएगा भगवान के पास और भगवान पूछेगा हाँ भैया भाई कैसे मरे तुम, तो ये क्या जवाब देगा। हाँ तो वत्स कैसे हुई आपकी मौत जनाब, बताइए। राजेश के लौंडे ने बालों से काट दी मेरी गर्दन और मैं मर गया। नाइस जोक, शांति से बता भी कैसे मरा। राजेश के लौंडे ने बालों से काट दी मेरी गर्दन और मैं मर गया। सो गाइस चलो वीडियो के वीडियो में जरूरी खत्म करता हूं, वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। एंड मुझे पता तुम लोग ट्रूथ एंड डेयर वाली वीडियो का वेट कर रहे होगे, जिसका ही मैंने कल परसों कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो वो आएगी, काम करेंगे हम उस पर, अगला वीडियो वही आएगा। अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट भी करो, प्लीज करो, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाओ हमारा। बेचारा मेरे को स्टार्टिंग में जो आया था उस इंसान पे बहुत बुरा लगा, उसने इतना अच्छा फोटो लेके आया है कि भाई मेरा ऐसा वाला हेयर कट करना है, उसने किया भी है वो हेयर कट, बट यहाँ पे प्ले बटन के साथ किया है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, वो लड़की एटीट्यूड गर्ल, माँ कसम इसको कोई नहीं भूल पाएगा, रस्ते पे कहीं पे भी एक बार दिख जाए, बस एक नजर दिख जाए उसको कैसे भी। पर इतना काजल बहुत महंगा होता है, इधर इधर तक लगाती, इधर इधर तक, वो हेयर स्टाइल अलग से, इसको रेडी होने में सुबह कितना घंटा लगता होगा, वो छतरी वाला वो ऐसा, उसके अंदर कितने सारे तो लोग बैठ के धूप से बच सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे, माय गॉड, वो जिसके बालों से की हत्या हो गई। बहुत सारे मैंने देखे हैं जिनके बाल एकदम स्ट्रेट है, ग्रीन है, या फिर ऐसे ऐसे एकदम इतने बड़े बड़े, मैं भी सोच रही हूँ हेलमेट कैसे पहनते होंगे। कभी कभी लगता है थैंक गॉड टिकटॉक सच्ची में, मतलब होना चाहिए था बैन जो हो गया है, विच इज वेरी गुड एक्चुअली। और एंड में तो उस बेचारे को लिटरली बुरा लग रहा था, पीछे से बाल हटवा दिए, सामने से है, ओह शिट व्हाट द हेल वाज दिस, यू शुडंट ट्राई दिस हेयर स्टाइल, बट
तो आपको ऐसे और भी वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए तो इस वीडियो को साथ साथ लाइक करो, साथ साथ शेयर करो, ताकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है आपको कौन से वीडियोस, मेरे ऑडियंस को कौन से वीडियोस देखना पसंद है कौन से नहीं। तो मैं आती हूँ रोज वीडियोस के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत नहीं आले छा। बाय।